प्रोफेसर वाई वेंकटराम राव साहब से अनुरोध करता हूं कि इस दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के लेकर वो अपनी राय व्यक्त करें। सभा को नमस्कार। अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित मेरे बुजुर्ग और भाई, एक सुख की बात है जिससे किसी न किसी रूप में कुछ हृदय लग जाता है, बुद्धि साथ चलना चाहती है, वह अगर गठित हो जाए तो उसके साथ हम भी जुड़कर चलें, इससे सुखद कोई बात नहीं है। दक्षिणी के संबंध में जो एक बहुत बड़ी शक्ति की आवश्यकता है, उस पर विचार करने के लिए हम यहाँ पर जुड़े हैं। लोग ये मानते हैं कि दक्षिणी हिंदी है या उर्दू है, इसको आप हम छोड़ें, ठीक है, लेकिन दक्षिणी एक ऐसी भाषा है जिसके संबंध में कहा गया है कि साझी भाषा है, उसको हम अपने साथ कैसे ले जाएं और किस प्रकार सब में उसके बारे में सोच पैदा करें और उसके बारे में कुछ काम करने के लिए सबको तैयार करें, इसकी दिशा ये यहाँ बन गई है। मैंने सुबह भी कहा था और सब लोगों ने भी यही बात कही थी कि यहाँ पर चार दिशाओं में काम होना है। वो दिशाएं स्पष्ट है, अंतिम सत्र होने के कारण हमें यहाँ पर फिर पुनः याद करनी है। एक बात सब लोगों ने स्वीकारी है, वो यह है कि आज दक्षिणी साहित्य 20% भी नागरी लिपि में उपस्थित नहीं है और उसे किसी न किसी रूप में प्राप्त कराने का बहुत बड़ा प्रयत्न होना चाहिए। अगर किताबों के रूप में छापना चाहें तो बहुत खर्चा होगा, लेकिन एक बात है, कंप्यूटर लेकर के उनमें उन किताबों को डाल सके या कंप्यूटर में किताबों को टंकित करवा सके और उसके सीडी बनवा दे तो बहुत आसानी से, और उसके कुछ हार्ड कॉपी 10-5 बना करके हम लाइब्रेरी में रखें तो कोई भी व्यक्ति किसी भी कोने से आकर दक्षिणी पर काम करना चाहता है, शोध करना चाहता है, उसका परिचय प्राप्त करना चाहता है तो आसान हो जाएगा। यह काम सब लोगों ने कहा है कि हैदराबाद में बहुत सामग्री मिलती है, हैदराबाद एक ऐसा केंद्र है जहाँ से सब कुछ हस्तलिखित सामग्री प्राप्त की जा सकती है और हैदराबाद चाहे तो यहाँ पर प्राप्त हो सकती है। लोग यहाँ पर है, युवा शक्ति आपके साथ है, युवा पीढ़ी के हाथ में काम दे दीजिए, वो दिन रात लग करके काम करेंगे, लेकिन उस युवा शक्ति को पहचानने की जरूरत है, इसे हम रेखांकित करके रखें। एक दूसरी बात, साहित्य के संबंध में जानकारी कम है, कुछ ही इन्हें गिने लोगों में जो इच्छा रखते हैं वही जानकारी प्राप्त करते हैं और वो भी मुश्किल से, लेकिन उस जानकारी प्राप्त कराने के लिए बहुत आवश्यक चीज़ है दक्षिणी साहित्यकार कोश और दक्षिणी साहित्य कोश। साहित्यकारों का परिचय चाहिए, दक्षिणी में जो साहित्य है उसका परिचय चाहिए, वो तीन भाषाओं में उपलब्ध हो जाए कम से कम, एक हिंदी में हिंदी विभाग करें, उर्दू में उर्दू विभाग करें, वो हम उर्दू विभाग भी साथ ही है, नसीमुद्दीन साहब वहीं पर हैं, वो भी युवा हैं, काम कर सकते हैं, और साथ साथ अंग्रेज़ी में भी इसका
परिचय दिया जाए, क्योंकि अंग्रेजी से क्या हो जाता है, दुनिया की आंख खुलती है और लोग जो है इसे किसी एक वर्ग के लोगों की का साहित्य मान करके ना रह जाए। तो इसलिए अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में साहित्य कोश बने, हो सके तो उसके बाद की स्थिति में जो भाषा चाहती है तेलुगु में वो साहित्य आ जाए, को साहित्य कोश के रूप में, कन्नड़ में आ जाए, मराठी में आ जाए, इसके भी प्रयत्न हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा काम नहीं है, मैं जानता हूँ। हिंदी आंध्र प्रदेश हिंदी अकादमी ने तेलुगु साहित्य कोश बनवाया है, विज्ञान सर्वस्व नामक इंसाइक्लोपीडिया एक तेलुगु यूनिवर्सिटी ने बनाया था, उसके लेखों को लेकर के 2 वॉल्यूम तैयार करवाए थे, सब कुछ एक वर्ष के अंतर्गत हो गया। जब मटेरियल तेलुगु में है हिंदी में आ गया, अगर मटेरियल हिंदी में हो तो किसी भी भाषा में एक ही साल में 4 भाषाओं में एक साथ आ सकता है, ये भी काम होना चाहिए। और तीसरी बात, पदकोश होना चाहिए। साहित्य के आधार पर जितना साहित्य है उसमें शब्द हैं और शब्द का अर्थ अलग होता है, साहित्य प्रयोग में आकर के पद बन करके पद अपने अर्थ छायाओं के साथ, संस्कृति के साथ, विशेषताओं के साथ जुड़ता है, उस प्रकार के कोशों का निर्माण की आवश्यकता है। और उस प्रकार के कोशों का निर्माण हो जाए पद को, हर शब्द को लेकर के और उसके अर्थ के साथ, शब्द कवि ने किस अर्थ में उसे प्रयोग किया, किस भूमिका में प्रयोग उस शब्द का प्रयोग किया, उस शब्द की सांस्कृतिक भूमिका क्या है, इस संबंध में भी एक कोश की जरूरत है। यह काम मेरे ख्याल से सिर्फ उर्दू यूनिवर्सिटी, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ही कर सकता है और किसी के दम में ये शक्ति नहीं है। और ये काम हो जाए। और अंतिम बात यह है कि जो भी साहित्य है और उस पर शोध कार्य तो कराया जा रहा है, जो शोध कार्य कराया गया है और उसको प्रकाश में लाने के लिए कहीं भी हुआ हो, दक्षिणी पर काम तो हुआ है लेकिन दक्षिणी कार्य को चाहे एमफिल के रूप में हो या पीएचडी के रूप में हो, किसी ने भी किया हो, उसको प्रकाशित करने में लोग पीछा कर रहे हैं, उसको प्रकाशित करने का दायित्व भी ये विश्वविद्यालय ले सकता है, कुछ अनुदान दे करके, अनुदान के माध्यम से हो। जो भी साहित्य अप्रकाशित पड़ा हुआ है, जो भी कार्य अप्रकाशित पड़ा हुआ है, उसको भी ला सके। इसके लिए आप दक्षिणी का केंद्र ही बनाइए या कुछ और जब बनाएंगे और काम करने का हौसला होगा, निश्चित रूप से पैसे किसी भी रूप में रोड़े नहीं बनेंगे। लेकिन ये केंद्र चाहिए, ये केंद्र चाहिए जहाँ पर सिर्फ दक्षिणी का ही काम होता है और किसी प्रकार का काम नहीं, और दक्षिणी साहित्य, दक्षिणी संस्कृति, दक्षिणी दर्शन सब कुछ यहाँ से बाहर आएंगे, जिनको पढ़ करके लोग दक्षिणी के अस्तित्व को समझें। प्रांत ही एक प्रांत नहीं, हर प्रांत में दक्षिणी का वह अस्तित्व जो है पहुँच जाए, वह उज्ज्वल हो जाए। यह कार्य जो इस विश्वविद्यालय से ही संभव है, इसको कठमिनी साहब अपने हाथ में ले लें, जिससे मैं ये कह सकता हूँ आज हिंदी दक्षिणी के नाम पर श्री राम शर्मा जी का नाम लेते हैं, परमानंद पांचाल जी का नाम लेते हैं और इस प्रकार के जिन्होंने काम किया है अपने सर्वस्व को अर्पित करके, उसी प्रकार के व्यक्तियों की उस परंपरा में मैं चाहता हूँ कि कठमिनी साहब का भी नाम जुड़ जाए। और लोग कहें कि दक्षिणी के साथ जो भी कार्य कराया गया है, एक ऐसे व्यक्ति थे जो पहले आचार्य के रूप में इस विश्वविद्यालय में आए, उन्होंने बहुत अच्छा रास्ता बना के दिया है, और दक्षिणी सुदृढ़ हो जाए और दक्षिणी की संस्कृति, भाषा, साहित्य आगे बढ़े, इस प्रकार के कार्य में वे रहें, रत हो जाए। और जो भी व्यक्ति जितना भी कर सकता है और उसके लिए हम भी सहायता दे सकते हैं, चाहे पैसे दे या ना दे, पैसे की बात मत कीजिए, पैसे से ज़्यादा कार्य की है,
जो नज़दीक में है वो भी काम कर सकते हैं, जो भी दूर में भी है दूर से भी काम कर सकते हैं। सारे समस्त कार्य को ये केंद्र से उजागर करने का प्रयत्न आप करें। अगर यह आज हम सब लोगों के सहमति से कटमनी साहब घारे बार ले लें तो शायद इस संगोष्ठी का अच्छा फल सुफल माना जाएगा। बस यही मेरी आशा है और यही चले, और मुझे यह अवसर जो मिला है दिया गया है उसके लिए मैं कटमनी साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ। साथ साथ मुझे खुशी की बात है यहाँ के और तीन अध्यापक हैं मेरे किस्मत से मेरे विद्यार्थी रहे तीनों। ये भी है जब तीनों जुड़ करके विभाग को रोशन करेंगे तो उस रोशनी का एक किरण मेरा भी मैं भी अपना समझूं, क्योंकि अकेडमी साहब कहने लगे कि मैं क्या करता हूँ, सब लोगों ने आकर के रोशनी बढ़ाई और मेरे विद्यार्थी इस प्रकार का काम करने के साथ हाथ बटाए तो अच्छा है। अब जो परमानेंट हो गए हैं चिंता नहीं पैसे की उनकी, गवर्नमेंट तो सहकार सरकार तो पैसा देती है लेकिन उस पैसे का लायक काम हम कर सके ज़्यादा, और ज़्यादा कोई नहीं कहेगा, हमेशा कहेंगे हमें कम पैसा मिल रहा है, उसकी चिंता मत कीजिए। और उस पैसे से आप रिटायरमेंट के जीवन को भी देख सकते हैं, लेकिन आपने आपके बाद क्या दे दिया इस समाज को, साहित्यिक समाज को, भाषा समाज को, इसे देखना चाहिए और इसी पर आप आगे बढ़े। नमस्कार, धन्यवाद सर। मैं अब रेखा शर्मा जी से अनुरोध करता हूँ कि वो इस समय देख रही हूँ और मंच पर आसीन विद्वजन बैठे हैं, मैं चाहूँगी कि मुझसे ज़्यादा आप उनको सुनें, क्योंकि उद्घाटन सत्र से लेकर समापन सत्र तक वे रहे हैं, चर्चा परिचर्चा जोरों पे हुई है, जो शायद हमने मिस की है खो दी है, लेकिन मैं इसे खोना नहीं मानूंगी क्योंकि प्रोफेसर कट्टीमणि जी ने अभी बता दिया है कि सारी सामग्री बहुत अच्छे तरीके से जो है सब तक पहुंचेगी और मेहनत उनकी साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सबसे पहले मैं बधाई जो है प्रोफेसर कट्टीमणि जी को दूंगी, क्योंकि इस विषय पर दरअसल हमने सोचा भी नहीं था कि इस विषय पर भी जो है संगोष्ठी हो सकती है और इतने बढ़िया तरीके से, वेल ऑर्गेनाइज जिसको बोलते हैं, सबको कैसे इकट्ठा किया जा सकता है, कैसे लिया जा सकता है, सबको एक दूसरे से कैसे जोड़ा जा सकता है, अगर ये सीखना है तो प्रोफेसर कट्टीमणि जी से सीख लीजिए। अगर मैं कहूँ कि एक नई जिंदगानी है इसमें, एक अछूता ख्याल है ये शाम, इसकी मिसाल मिलती नहीं, आप अपनी ही मिसाल है ये शाम। सच में ये शाम एक मिसाल रखती है, एक मायने रखती है, क्योंकि दखनी भाषा और साहित्य पर विचार करना, बातचीत करना, उस पर सोचना, वरना दरअसल लोग सोचते थे कि दक्षिण भाषा सिर्फ बातचीत की भाषा है, हंसाने की भाषा है, कुछ कविताएं सुना लीजिए बस वही भाषा है, लेकिन इस भाषा का अपना एक साहित्य है जो सतही नहीं बहुत गहरा साहित्य है, क्योंकि बहुत से लोग, उनमें से हम भी एक हैं मैं कहूँगी, कि हम इतनी गहराई से जानते नहीं हैं, लेकिन फिर शुभकामनाएं कि अब हमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, और क्योंकि ये अंत तो नहीं है शुरुआत है, अंत होगा तो बात ख़त्म हो जाएगी, मैं इसको आगाज़ नहीं अंजाम मानती हूँ, अंजाम मान लेंगे तो बात ख़त्म हो जाएगी, तो इसलिए अंजाम नहीं है ये तो फिर एक शुरुआत है। तो चलिए मैं धन्यवाद कहूँ या आपको शुभकामनाएं दूँ, उससे पहले यहाँ जितनी महिलाएं बैठी हैं, यंग जनरेशन, यंग लड़कियां बैठी हैं यहाँ पर, उन सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। आप समझ गए होंगे आज 8 मार्च है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला दिवस मनाया जा रहा है, हम भी वो मना के आए हैं, धर्मपाल पीहल जी ने बहुत बढ़िया 3-3.5 घंटे का कार्यक्रम वहाँ चला है। तो मैं अपनी ओर से यहाँ जितने भी पुरुष यहाँ बैठे हैं उनकी ओर से सभी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, और बस ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहे। प्रोफेसर कट्टीमणि जी हम आपके साथ हैं, आपकी हौसला अफजाई देखकर हम में भी हौसला अफजाई उत्पन्न होती है, और बस आप इसी तरह करते रहिए, हम आपके साथ हैं, बहुत कुछ सीखना है आपसे हमें,
हम भी एक शुरुआत कर रहे हैं और इस शुरुआत में बस हम आपके साथ कदम दर कदम हम चलने के लिए तैयार हैं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम।